हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैग क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इनका यूज करना क्यों जरूरी है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टैग के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, टैग भी एक प्रकार का कीवर्ड ही है। और कीवर्ड दो प्रकार के होते हैं, यानी कि टैग दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टेल टैग यानी कि शॉर्ट टेल कीवर्ड और दूसरा लॉन्ग टेल टैग यानी कि लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड किसे कहते हैं, आज मैं आपको ये भी बता देता हूं। दोस्तों, शॉर्ट टेल कीवर्ड वो होता है जो तीन वर्ड का हो या तीन से छोटा, मतलब दो वर्ड या एक वर्ड का है तो उसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहेंगे। और लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होता है जो तीन वर्ड से अधिक के हो, मतलब चार वर्ड या चार वर्ड से अधिक हो तो उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि शॉर्ट टेल क्या है। मान लो कि कोई मोबाइल है, ठीक है, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं तो उसका शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होगा, मोबाइल रिव्यू। दो वर्ड में हुआ मोबाइल और दूसरा रिव्यू, दो वर्ड में हुआ तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हुआ। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, मेक मनी ऑनलाइन, ये थ्री वर्ड का है। मेक मनी ऑनलाइन थ्री वर्ड आया तो इसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड में मेंशन करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है और ये कैसे होते हैं। दोस्तों, सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तीन वर्ड से अधिक, मतलब चार वर्ड या फिर उससे अधिक के हो तो उन्हें हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे। जैसे हाउ टू मेक मनी, ये चार वर्ड आया मतलब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड में आएगा। बेस्ट मोबाइल रिव्यू इन हिंदी, ये पांच वर्ड आया इसमें, मतलब ये पांच वर्ड का लॉन्ग टेल कीवर्ड आएगा। इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि किसी कीवर्ड में तीन वर्ड हो या उससे कम हो तो उसे शॉर्ट टेल कीवर्ड कहेंगे, और यदि किसी कीवर्ड में चार वर्ड या उससे अधिक वर्ड हो तो आप उसे लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इन कीवर्ड्स का यूज क्यों करना जरूरी है। दोस्तों, ऑनलाइन यदि आप यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं या फिर आप कोई साइट चलाते हैं, अपना ब्लॉग लिखते हैं, तो आप वहां पर कीवर्ड का यूज करते हैं, शॉर्ट टेल या फिर लॉन्ग टेल, ठीक है। तो इसे हम क्यों यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है। दोस्तों, कीवर्ड से हमारे सर्च इंजन को यह पता चलता है कि इस वीडियो के अंदर या फिर इस पोस्ट के अंदर क्या कंटेंट भरा है, और यदि हमें अपने वीडियोस या फिर किसी भी पोस्ट को रैंक कराना है, पहले नंबर पर या फिर ऊपर ले जाना है या फिर शो कराना है, यदि कोई भी उस कीवर्ड को सर्च करता है तो हमारा पोस्ट या फिर कंटेंट शो करे, तो ऐसा करने के लिए हमें कीवर्ड डालना पड़ता है। और इन्हीं कीवर्ड के बेस पर हम अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। जितना अच्छा कीवर्ड होगा, जितना अच्छा कीवर्ड रिसर्च करेंगे हम, उतना जल्दी हमें सक्सेस मिलेगा, उतना ही अच्छा हमारा वीडियो का या फिर पोस्ट का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।